वेलकम बैक टू द DLS न्यूज। जी हाँ, आइए दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में अपन जानेंगे आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार की बहुत बड़ी घोषणाएं हैं और इसको लेकर कुछ महाराष्ट्र की चुनावी खबरें भी जानेंगे। और साथ ही पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी खबर है और बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ नए नियम अपडेट भी हैं। रिलायंस जियो को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है, ऑफर अब आपको नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके तमाम अपडेट्स को और शुरुआत करते हैं पहले अपडेट की। तो भारतीय रेलवे की तरफ से अच्छी खबर है दोस्तों, यात्रियों की सुरक्षा के लिए 1,00,000 और CCTV कैमरे लगाएगी रेलवे, जारी किया टेंडर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में CCTV कैमरा लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा टेंडर निकाला और 1,00,000 CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के लिए अगले महीने आखिर तक टेंडर अवार्ड किया जा सकता है। सूत्रों की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है ताकि रेलवे स्टेशन पर अपराधियों पर और ज्यादा पैनी नजर रखी जा सके, है ना। और इसी के साथ ही इंडियन रेलवे की तरफ से एक और अपडेट देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म पर टिकट की बिक्री से रेलवे को कितनी कमाई हुई। रेल मंत्री ने संसद में बताया दोस्तों कि मौजूदा वित्त वर्ष में सितंबर महीने तक इंडियन रेलवे को 78 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि 2018-19 में स्टेशनों से विज्ञापन और दुकानों से 230.47 करोड़ रुपए का राजस्व इंडियन रेलवे को प्राप्त हुआ। अच्छा, रेलवे की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो एक और अपडेट आ रहा है रेलवे की तरफ से। अब आपका महंगा सफर रहेगा क्योंकि रेलवे ने यात्रियों का किराया बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग बना दी है और जल्द ही इंडियन रेलवे का किराया बढ़ जाएगा। PMO ने भी इसकी मंजूरी दे दी है। अगर आप भी अक्सर रेलगाड़ी में सफर करते रहते हैं तो बहुत जल्द आपके लिए रेल सफर महंगा हो सकता है। तो ये तो रहे कुछ अपडेट्स। और अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने भारतीय खाद्य निगम की पूंजी बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दी है। अब इससे क्या फायदे होंगे, तो दरअसल आपको बता दें आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI की आधिकारिक पूंजी को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो कि वर्तमान में 3500 करोड़ रुपए ही है। और इसके सीधे फायदे कई सारे जो है वो आम आदमी तक देखने को भी मिलेंगे। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों में दाखिला दिलाने का मौका है। 2020-21 के लिए एडमिशन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। जी हाँ, अगर आपके भी घर में बेटी है, लड़की है, और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को इंडियन आर्मी में भेजना चाहते हो, तो पहले तो केवल लड़के ही जा सकते थे, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी खुल कर दी थी हाल ही में सरकार ने, आपको पता होगा राइट। हमने आपको DLS न्यूज के ऊपर भी पहले बताया था। तो ऐसे में दोस्तों अब लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और ऐसे में अगर आप भी अपनी गर्ल डॉटर के लिए एडमिशन करवाना चाहते हैं 2020-21 के लिए, तो 5 सैनिक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया चालू है। देख सकते हैं आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर अलग अलग जगहों पर। और इसके लिए एक वेबसाइट भी है दोस्तों, sainikschooladmission.in, यहाँ पर जानकारी आप पा सकते हैं और भी ज्यादा। और बाकी आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट के जरिए चेक कर लीजिएगा, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट है joinindianarmy.nic.in। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाने के सवाल पर सरकार ने संसद में क्या जवाब दिया। तो दरअसल आपको बता दें हाल ही में मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी दोस्तों कि सरकार जो है कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र घटाकर 58 साल कर सकती है, जहां पहले 60 वर्ष है। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई प्लान सरकार का नहीं है, 60 वर्ष ही है उम्र और 60 ही रहेगी। इसके साथ ही अगला अपडेट है, मारुति कंपनी का बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। अल्टो के नए BS6 मॉडल पर 53,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। अगर आप भी अल्टो कार खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो आजकल ये ऑफर चल रहा है और फायदा आप उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, 1 अप्रैल से बदल जाएगा बिजली से जुड़ा ये नियम, जानिए क्या होगा असर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी कि CERC के चेयरमैन PK पुजारी ने बुधवार को कहा कि खरीद के साथ ही कम से कम समय में बिजली आपूर्ति शुरू करने की व्यवस्था अगले साल 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं हम। और इसमें बिजली वितरण कंपनियां या निजी उपयोग के लिए बिजली संयंत्र चलाने वाली इकाइयों के ग्राहक आपूर्ति से महज 1 घंटा पहले बिजली खरीद सकेंगे। तो इस तरह से 1 अप्रैल 2020 से आपको बिजली के अंदर ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं और 24 घंटे बिजली का कारोबार चालू रहेगा और आपको भी बिजली कटौती बहुत कम देखने मिलेगी। उम्मीद है 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, आखिरकार फाइनली अंतरिक्ष में भारत ने एक और इतिहास रच दिया और तीसरी आंख कार्टोसेट 3 की सफल लॉन्चिंग भी हो चुकी है। कल ही नासा ने ये लॉन्चिंग की थी और इसके साथ ही 13 और सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए थे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई और खास बात है कि PSLV रॉकेट के जरिए अमेरिका के भी 13 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। तो ये भी भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इंडियंस होने के नाते एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर। और इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से अब नहीं मिलेगा जियो फाइबर का प्रीव्यू ऑफर, सभी को चुनना होगा पेड प्लान। जी हां, यदि आप भी रिलायंस जियो के जियो फाइबर का प्रीव्यू ऑफर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिएगा। रिलायंस जियो ने नए ग्राहकों के लिए जियो फाइबर के प्रीव्यू ऑफर को पूरी तरह से बंद कर दिया, नए ग्राहकों के लिए तो ठीक है, और वहीं वे लोग जो पुराने ग्राहक हैं यानी कि प्रीव्यू ऑफर का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे पेड प्लान्स पर लाया जा रहा है। तो ये रिलायंस जियो की तरफ से कॉमर्शियली लॉन्चिंग के बाद जो प्रीव्यू ऑफर मिल रहा था उसको लेकर अपडेट है। अब आपको ये ऑफर जो है धीरे धीरे पेड ऑफर के रूप में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगला अपडेट है, राहुल और प्रियंका गांधी ने तिहाड़ जेल में P. Chidambaram से मुलाकात की है। जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी
सुबह ही तिहाड़ जेल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात करने गए और दोनों नेता करीब आधे घंटे तक चिदम्बरम से जेल के अंदर मुलाकात किए। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, INX मीडिया में हुए घोटाले के आरोपी सिद्ध हुए चिदम्बरम और इसी के बाद इनको जेल की सजा हुई। इसी के साथ ही अगला अपडेट है, इन चीजों के लिए जूट पैकेजिंग हुई अनिवार्य, सरकार ने इसलिए लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बुधवार को जूट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। और आपको बता दें, पीएम मोदी गवर्नमेंट की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में सरकार ने फ्रूट ग्रेन्स यानी कि अनाजों और चीनी की पैकेजिंग के लिए जूट मटेरियल को अनिवार्य कर दिया। इससे दो बड़े फायदे होंगे, पता क्या? पहला तो जूट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा, जूट कारोबार बढ़ेगा, और दूसरा ये दोस्तों कि आजकल अनाज वगैरह, शक्कर वगैरह, इन सब की पैकेजिंग जो प्लास्टिक थैली अंदर रहती है और बाहर कट्टा वगैरह लगा दिया जाता है, इस तरह की पैकेजिंग की जाती है, राइट? तो अब उनकी पैकेजिंग जो है दोस्तों वो जूट वाले मटेरियल के साथ में होगी, तो इससे हमारी हेल्थ पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और इसके अलावा लाखों किसानों को भी फायदा होगा, जूट वाले वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप इसकी डिटेल्स। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर खबर आप देख पा रहे होंगे। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन भी मौसम खराब रहा है। केदारनाथ में कल शाम से ही बर्फबारी लगातार जारी है। जी हां, लगातार दूसरे दिन उत्तराखंड में मौसम जो है वो कुछ खराब सा ही चल रहा है। मौसम विभाग ने आज भी उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। इसके अलावा देहरादून सहित 5 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका भी जताई है। तो अगर आप भी इन इलाकों के आसपास रहते हैं तो प्लीज जरा सावधान रहिएगा। इसी के साथ ही अगला अपडेट दोस्तों, सोने चांदी के भाव को लेकर सराफा बाजार में अच्छी खबर है। लगातार 5वें दिन सोने के रेट टूटे हैं और अभी आज सराफा बाजार में सोने का रेट 35 रुपए टूट गया और उसके बाद 38,503 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की रेट चल रही है। और वहीं चांदी कुछ बढ़ोतरी के साथ 45,345 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं बात करें आज देश में पेट्रोल के रेट की, तो 5 दिन बाद पेट्रोल की महंगाई पर ब्रेक लगा और डीजल के भाव में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। और बेसिकली आप देख सकते हैं, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का दाम क्या चल रहा है, 74, 77, 80 और 77 कुछ पैसे, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, बड़ी घोषणा है, रॉयल इनफील्ड लाएगी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, कंपनी ने ऐलान कर दिया। जी हां दोस्तों, रॉयल इनफील्ड भी ज्यादातर वाहन निर्माताओं की तरह इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल उतारने का ऐलान कर चुकी है और इसका खुलासा कंपनी के नए CEO विनोद देसाई ईटी ने एक इंटरव्यू में किया। और उम्मीद है हमें 2020 तक रॉयल इनफील्ड का इलेक्ट्रिक मॉडल देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, इस्तीफे के बाद फडणवीस का एक बड़ा ऐलान है, बोले कि सही समय पर दूंगा जवाब। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति की गुत्थी उलझती ही जा रही है और अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये राजनीति किस दिशा में घूम रही है। और इसके बाद महाराष्ट्र में जिस तेजी के साथ सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसने सभी को हैरत में डाल रखा है। और इसी बीच दोस्तों, जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो बने, उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया, एक बार फिर से राजनीति के अंदर उथल फुथल सी मच गई और सोशल मीडिया से लेकर कई जगहों पर देवेंद्र फडणवीस के बारे में कई सारी बातें लिखी जा रही हैं। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा देने के बाद ये कहा कि समय आने पर मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अब उनके मन की प्लानिंग क्या है वो तो खुद ही जाने वो। चलिए इसी के साथ ही अगला अपडेट दोस्तों, प्याज को सस्ता करने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है और राज्य सरकारों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अभी प्याज की कीमतें और बढ़ती जा रही हैं। जहां पहले 100 रुपए किलो था, कई जगहों पर 120 रुपए प्रति किलो तक भी प्याज के दाम पहुंच गए हैं। और ऐसे में केंद्र सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने राज्य सरकारों को प्याज की स्टॉक लिमिट घटाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब राज्य सरकारें अपनी जरूरत और मर्जी के अनुसार स्टॉक लिमिट घटा सकती हैं और उम्मीद है इससे हमें प्याज की कीमतों में कुछ सस्ती वाड़ा देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, टाटा ला रहा है 7 सीट वाली दमदार SUV ग्रेविटास और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, इसके फीचर्स और टेक्निक्स जो है वो टोयोटा फॉर्च्यूनर को भी टक्कर दे सकते हैं। अब देखते हैं, ये तो कमिंग सून है, अभी तक लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप भारत के अंदर 1.8 करोड़ का निवेश करने जा रहा है और कंपनी कुल 500 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी जिनको सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। हर स्टार्टअप्स को 38,500 रुपए तक का छूट देगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से भारत के अंदर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अच्छी बात है। इससे कुछ बेरोजगारी भी कम होगी और इंडिया के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अच्छी बात है। और इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मर्सिडीज बेंज GLC SUV भारत में 3 दिसंबर को लॉन्च होने जा रही है। कंपनी ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया। अब देखते हैं, वैसे तो इसकी प्राइसिंग वगैरह बहुत ज्यादा ही रहने वाली है। चलिए इसके साथ ही फिलहाल अगला अपडेट है, बड़ी खबर है, चेन्नई में बंद पड़ा हुआ नोकिया का प्लांट 2020 से फिर से शुरू होगा और इससे हजारों लोगों को नौकरियां भी मिलेगी और भारत की एटलीस्ट इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब दोस्तों ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वापस अपने प्लांट शुरू करते हैं ना, तो इससे काफी लोगों को रोजगार मिलता है और मार्केट के अंदर मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहली बार पति और पत्नी जज बनने जा रहे हैं और वो भी दोस्तों एक साथ शपथ लेंगे। सबसे अच्छी बात और कोइंसिडेंस देखिए, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो जज हैं और पति पत्नी और एक ही दिन शपथ लेंगे। हाई कोर्ट को 6 नए जज मिलने जा रहे हैं जिसमें से विवेक पुरी और अर्चना पुरी दोनों पति पत्नी है। इसके साथ ही अगला अपडेट है,
31 नवंबर को रियलमी की ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू होने जा रही है, जहां पर आपको कई सारे डील्स ऑफर्स देखने को मिलेंगे और रियलमी X2 Pro को भी स्पेशल ओपन सेल में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप ये ऑफर्स और फीचर्स रियलमी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर पाएंगे। इसके साथ ही अगला अपडेट दोस्तों, खबरें आ रही है कि CBSE 2023 तक अपना सिलेबस चेंज कर सकता है, बदल सकता है 10वीं और 12वीं का परीक्षा पैटर्न। हालांकि अभी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2023 तक ये प्लानिंग हो सकती है। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, ये बैंक दे रहा है स्मार्ट EMI पर कार लोन, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का खर्च बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, प्राइवेट बैंक ICICI बैंक ने आज ऑटोमोबाइल लीजिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशंस कंपनी ट्रांस लीज के सहयोग से एक नई अनूठी मासिक किस्त योजना यानी कि EMI लॉन्च करने का ऐलान किया है, और इसके जरिए ग्राहक कम लागत और ज्यादा सुविधाओं के साथ नई कार अपने घर ले जा सकते हैं। वैसे जनरली जो ऑटोमोबाइल यानी कार वगैरह के ऊपर लोन मिलता है, वहां पर आपको कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, राइट। लेकिन यहां पर स्मार्ट EMI के तहत आप अपनी फाइनेंस स्कीम में कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स का फायदा उठा पाएंगे। तो अगर आपका भी ICICI बैंक में खाता है या नहीं भी है, तो भी आप ब्रांच में कॉन्टेक्ट करके फायदा ले सकते हैं। इसके कुछ कंपेरिजन टेबल आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप ट्रेडिशनल लोन लेते हैं तो EMI डेट कस्टमर पेज में 40,996 रुपए तक का आपको खर्च आता है, जबकि स्मार्ट EMI के अंदर 32,725 रुपए का ही खर्च आएगा। तो इस तरह से आपको कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, और ज्यादा डिटेल आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगला अपडेट है, गेट 2020 एग्जाम के लिए शेड्यूल जारी हो चुका है। 1 से लेकर 9 फरवरी को 8.6 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट IITD.ac.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम शेड्यूल डेट शीट वगैरह देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, अमेजोन के ऊपर फिर से सेल शुरू हो चुकी है, भारी डिस्काउंट वगैरह भी मिलेंगे आपको। तो अगर आप भी कुछ आइटम वगैरह खरीदने चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही अगला अपडेट है, ई सिगरेट पर रोक से जुड़ा बिल आखिरकार फाइनली लोकसभा में भी पास हो चुका है। और अगर अब कोई ई सिगरेट से बैन वाले नियम को तोड़ता है तो नियम तोड़ने पर जेल के साथ साथ जुर्माना भी लगेगा। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, ई सिगरेट पर पाबंदी से जुड़ा बिल लोकसभा में पास हो चुका है, और इसमें ई सिगरेट के उत्पादन से लेकर बेचने, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन तक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। और आपको बता दें, अगर कोई इन रूल्स को तोड़ता है तो सरकार इस पर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी, और इसके अलावा 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसके अंदर, या दोनों ही सजाएं हो सकती है। अच्छी बात है, सरकार ने इसको बैन करके तो बहुत ही अच्छा काम किया है ना। चलिए इसके साथ ही अगला अपडेट है, आर्थिक हालातों के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि विकास दर भले ही कम होगी लेकिन देश में मंदी का खतरा नहीं है। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते दौरान उन्होंने ये जवाब दिया, और उन्होंने कई आंकड़े देकर 2009 से 2014 तक सप्रंग सरकार के कार्यकाल और 14 से 19 तक भाजपा सरकार कार्यकाल के बीच तुलना भी की। कुछ राजनीतिक दृष्टि से भी आप देख सकते हैं इनके डेटा को। इसके साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट बैठक खत्म हो चुकी है, वित्त आयोग का बड़ा कार्यकाल, जूट के किसानों के लिए हुआ बड़ा ऐलान, इस तरह के कई सारे अपडेट और फायदे मिले जिनकी डिटेल भी हमने आपको बताई। और इसके साथ ही इस बैठक के अंदर कैबिनेट की जो बैठक हुई इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए इसकी कुछ ज्यादा डिटेल आप यहाँ पॉइंट्स में देख सकते हैं। कैबिनेट ने त्रिपुरा एयरपोर्ट के लिए सेरिमोनियल लाउंज की जमीन के अलॉटमेंट की भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन के बकाया 4 करोड़ से अधिक के कर्ज और ब्याज के पुनर्भुगतान की छूट की भी मंजूरी दी, और कुछ और हाइलाइट्स पॉइंट डिटेल देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में ये आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार यहीं खत्म होते हैं। और हाँ, साथ ही आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ऐसा कौन सा पौधा है जो ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाते हैं, छोटा पौधा स्मॉल प्लांट्स ऐसा कौन सा है जो ज्यादातर लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, पवित्र मानते हैं उसको। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकेंगे एक शानदार मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टूल्स, गैजेट्स वगैरह, कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिख डाले इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके दोस्तों, तो इसके साथ ही आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।